He got an idea! हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल आपके। तो आज की कहानी एक साइको सर्जन डॉक्टर की है जिसकी सुंदर बीवी उसे चीट कर रही थी, और जब डॉक्टर को पता चला तो कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो आइए देखते हैं साइको सर्जन की साइको कहानी को। तो कहानी शुरू होती है डॉक्टर ब्यूम और उसकी सुंदर बीवी ज्यूंग से, जो कि बहुत ही यंग और ब्यूटीफुल है, लेकिन उसकी एज डॉक्टर की बेटी जैसी है। पर पैसों की दुनिया में आजकल ये सब कौन देखता है। डॉक्टर ब्यूम अपनी बीवी को प्यार से कहता है कि तुम काफी खूबसूरत हो, जो कि हंसकर कहती है थैंक यू डैडी, आई मीन पति देव। बीवी का हंस के जवाब देना ब्यूम को पसंद नहीं आता। वो ज्यूंग को डांटने लगता है कि मेरे से इस तरीके से हंस के बात मत करना, इस तरीके से बात करना मैं खुद की बेइज्जती समझता हूँ, और जब कोई हंस के मुझसे बात करता है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। डॉक्टर अपनी बीवी को बहुत ही ज्यादा जलील करता है ताकि ऐसी हरकत वो दोबारा ना करे। लेकिन एक सेकंड, ज्यूंग की ऐसी क्या मजबूरी है कि वो ब्यूम के साथ है, तो इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। डॉक्टर थोड़े ड्रामे और बदतमीजी के बाद अपने क्लिनिक पे निकल पड़ता है, लेकिन जाने से पहले वो ज्यूंग से माफी मांगता है कि सारी गलती मेरी थी, मैंने तुम्हारा मूड खराब कर दिया, मुझे माफ कर देना, और आज रात मैं लेट आऊंगा क्योंकि पेशेंट थोड़े ज्यादा हैं। ज्यूंग उसे कहती है कि सारी गलती मेरी है, मैंने आपका मूड खराब कर दिया, पर रात को आने से आधा घंटा पहले मुझे कॉल कर देना ताकि मैं खाना बना के रखूं। और डॉक्टर के जाते ही ज्यूंग का बिहेवियर जंगली बिल्ली के जैसा हो जाता है। वो डॉक्टर को गालियां देने लगती है कि मैं ऐसे कपड़े पहनकर थक चुकी हूं, पता नहीं कब साइको डॉक्टर से पीछा छूटेगा। अब डिप्रेशन को दूर करने के लिए ज्यूंग अपने बॉयफ्रेंड किम को बुलाती है। अब डॉक्टर ने जो रात को लेट आने की बात कही थी वो दरअसल एक बहाना था। वो अपनी बीवी की लॉयल्टी टेस्ट करने वाला था, जो कि बुरी तरह से फेल हो जाती है। डॉक्टर के बेड पर ज्यूंग और किम कैंडी क्रश खेल रहे थे, जिसे देख डॉक्टर की सटक जाती है। वो हथौड़े से दोनों को मारने की कोशिश करता है, पर तभी ज्यूंग की माँ घर की बेल बजाती है, जिसे देख डॉक्टर प्लान को चेंज कर लेता है। और तभी हम ज्यूंग की माँ से जान पाते हैं कि उसने ज्यूंग का रिश्ता डॉक्टर से पैसों के लिए किया, और कुछ ही महीनों में वो डॉक्टर से तलाक लेके उससे प्रॉपर्टी और पैसों की डिमांड करेगी। और ज्यूंग की माँ कई बार ऐसा कर चुकी है, उसने अमीर लोगों से शादी करके फिर उनसे तलाक ले लिया, और तलाक के बाद उसे काफी पैसे मिले, इसलिए ज्यूंग की माँ अपनी बेटी को अपने जैसा बनाना चाहती है। पर ज्यूंग अपनी माँ से बहुत ही ज्यादा नफरत करती है क्योंकि माँ ने ज्यूंग को साइको के पल्ले डाल दिया। अब ज्यूंग की माँ किम को देख लेती है, वो ज्यूंग को कहती है कि किम से दूर रहो, वो फकीर आदमी तुम्हें लग्जरी लाइफ नहीं दे सकता। अपनी माँ की बातें सुन ज्यूंग को गुस्सा आ जाता है कि तुम कैसी माँ हो, अपनी बेटी को साइको से चिपका दिया। अब डॉक्टर किम का पीछा कर रहा था जहां वो लिफ्ट में किम के साथ आ जाता है। डॉक्टर का मन तो बहुत था कि किम को मार दूं, लेकिन मामला रिस्की था। वो किम का पीछा करता है जहां डॉक्टर को पता चलता है कि किम एक जिम कोच है। रिसेप्शन पे खड़ी लड़की से डॉक्टर को किम के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, और तभी उसका हथौड़ा हाथ से नीचे गिर जाता है, जिसे लड़की देख लेती है। इसके बाद डॉक्टर अपने क्लिनिक आ जाता है जहां पर तीन नर्सें काम करती हैं, और तीनों की तीनों डॉक्टर को साइको समझती हैं क्योंकि साउथ कोरिया में बॉस अपने एम्प्लॉय के साथ रिलेशन अच्छा रखता है, वो कभी कभी उनके साथ खाना खाता है। लेकिन तीनों नर्सें काफी साल से डॉक्टर के साथ काम करती हैं, पर डॉक्टर ने इतने सालों से किसी को भाव नहीं दिया। वो तीनों से बदतमीजी से बात करता है। अब जेनी नाम की नर्स नोटिस करती है कि डॉक्टर बहुत ही गंदे मूड में है, और आज एक पेशेंट की आईज की सर्जरी है। वो डॉक्टर को कहती है कि अगर आपका मूड ठीक नहीं है तो आज की सारी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देती हूँ, जिसे सुनकर डॉक्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि कुछ भी कैंसिल मत करना। और जब डॉक्टर पेशेंट की सर्जरी शुरू करने लगता है तो डॉक्टर के हाथ कांप रहे थे क्योंकि डॉक्टर के दिमाग में किम और ज्यूंग का सीन चल रहा था, जिस कारण वो काफी गुस्से में था क्योंकि बिना कुछ किए वो वापिस आ गया। डॉक्टर के हाथों को देख नर्स डॉक्टर को रोक लेती है कि आपके हाथ कांप रहे हैं, सर्जरी को यहीं रोक दो, लेकिन डॉक्टर उसकी बात नहीं मानता, और तभी वही पेशेंट ज्यूंग के रूप में बदल जाती है।
वो डॉक्टर की कमजोरी का मजाक उड़ाने लगती है कि तुमसे तो कुछ नहीं होता, इसलिए मैं किम के साथ हूँ, जरा अपने हाथों को देखो। गुस्से में डॉक्टर पेशेंट को मारने की कोशिश करता है, जिस कारण क्लिनिक में काफी हंगामा हो गया था। नर्स डॉक्टर से हालचाल लेती है। डॉक्टर सबको कहता है कि मैं तो ठीक हूँ, तुम सब भी छुट्टी कर लो, आज मैं जल्दी घर जाने वाला हूँ। ज्यूं की माँ किम को धमकी देती है कि मेरी बेटी से दूर रहो। अब डॉक्टर के मन में बदला लेने का बहुत ही डार्क और डीमन किस्म का प्लान था। वो अपनी सासू माँ के घर जाता है, जहाँ डॉक्टर सासू माँ को प्यार भरी बातों से फुसलाने लगता है। अब डॉक्टर खुद ज्यूं की माँ का बाप लग रहा था, लेकिन पैसे का खेल देखो, डॉक्टर से 10 साल छोटी है, पर डॉक्टर को जमाई राजा बोलती है। अब डॉक्टर सारा खेल समझ चुका था कि बात पैसों की है। सासू माँ बहुत ही लालची है, उसने पैसों के लालच में ज्यूं से मेरी शादी करवाई। दोनों को डॉक्टर से कोई प्यार व्यार नहीं। डॉक्टर उसे कहता है कि मुझे ज्यूं ने बताया था आप थोड़ा यंग दिखना चाहती हैं, इसलिए मैं स्पेशल इंजेक्शन लेके आया हूँ, जो कि बहुत ही कम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन आप मेरी सासू माँ हैं, आपने इतनी सुंदर लड़की मुझे दी, इसलिए मैं इतना तो कर सकता हूँ। अब लालच में ज्यूं की माँ कंफर्टेबल हो जाती है, लेकिन डॉक्टर उसे मार देता है, जिसके बाद डॉक्टर घर आ जाता है और ज्यूं को कहता है कि मैं तुम्हारे लिए महंगा मीट लाया हूँ, जो कि अमीर लोग बहुत ही शौक से खाते हैं। लेकिन ज्यूं उसे कहती है कि मैं तो खाना बना चुकी हूँ, पर डॉक्टर उसे कहता है कि ये मीट मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ, खा लो। और मीट को खाने के बाद ज्यूं उसे कहती है कि इसका टेस्ट काफी अजीब है, मैंने कभी नहीं खाया। और तभी डॉक्टर जोर जोर से हंसने लगता है। ज्यूं उसे कहती है ये मीट किसका है, तभी डॉक्टर उसे रिवील करता है कि ये मीट तेरी घटिया माँ का है, तुम दोनों ने मिलकर मेरी फीलिंग्स की ऐसी तैसी कर दी। वो ज्यूं को बेहोश करके बेसमेंट में कैद कर लेता है और उसके धोखे को याद करके रोने लगता है। दूसरे दिन डॉक्टर काफी खुश था, हालांकि नर्स ने सारी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी, पर डॉक्टर उन्हें कहता है कि आज मैं बहुत ही बिजी रहने वाला हूँ, सबको वापस बुला लो। तभी सुंदर सी लड़की डॉक्टर के पास आती है, जो कि सर्जरी से थोड़ा बस्टी बनना चाहती है, और लड़की को देख डॉक्टर को प्यार हो जाता है। वो इसे अपनी बीवी बनाने का प्लान बनाता है और बिना जैनी के वो सर्जरी को शुरू कर देता है। जैनी को गुस्सा जाता है कि तुम मेरे बिना सर्जरी शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि पेशेंट की जान जा सकती है, लेकिन डॉक्टर नहीं मानता। जैनी उसे साइको बोल देती है, जिसे सुनकर डॉक्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा जाता है। तभी पीछे से डॉक्टर जैनी को बेरहमी से मार देता है, जिसके बाद वो सर्जरी को शुरू करता है, पर दूसरी नर्स जान चुकी थी कि पेशेंट मरने वाली है, इसलिए वो पुलिस को बुलाने की धमकी देती है, लेकिन डॉक्टर उसे भी मार देता है। थोड़ी देर बाद पेशेंट की डेथ हो जाती है, क्योंकि ढेर सारा ब्लड लॉस हो चुका था। किम ज्यूंग को लेके काफी परेशान था, क्योंकि ज्यूंग उसका फोन नहीं उठा रही, और अचानक से वही लड़की उसे डॉक्टर के बारे में बताती है कि उसके हाथ में हथौड़ा था और वो आपके बारे में पूछ रहा था। जैसे तैसे किम को डॉक्टर के बारे में पता चलता है कि ये डॉक्टर कोई और नहीं बल्कि ज्यूंग का पति है। किम समझ चुका था कि डॉक्टर उसके और ज्यूंग के बारे में जान चुका है, इसलिए वो चोरी से डॉक्टर के घर जाता है, जहां उसे ज्यूंग बहुत ही बुरी हालत में मिलती है, जिसके बाद किम पुलिस को बुला लेता है। और क्लिनिक में आखिरी नर्स सर्जरी रूम में घुसती है, जहां उसे खून और लाशों के अलावा कुछ नहीं दिखता, और इससे पहले वो भाग पाती डॉक्टर उसे घेर लेता है, जो कि नर्स को मारना चाहता है, पर जैसे तैसे नर्स यहां से भाग जाती है, जो कि पुलिस को सब बता देती है, जिसके बाद पूरे शहर में पुलिस डॉक्टर को ढूंढने लगती है। तभी पुलिस को ज्यूंग के बारे में पता चलता है कि ज्यूंग का चेहरा पहले अलग था, लेकिन डॉक्टर ने सर्जरी से उसे ऐसा बनाया। पुलिस डॉक्टर की तारीफ करती है कि डॉक्टर तो काफी एक्सपर्ट है, लेकिन ज्यूंग और किम को डॉक्टर ऐसे कैसे छोड़ेगा। वो किम को बेहोश करके ज्यूंग के पास आता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मैं बस वो लेने आया हूँ जो मैंने तुम्हें दिया था। वो ज्यूंग के चेहरे को पहले जैसा कर देता है, जो कि बहुत ही भयानक था। डॉक्टर ने बदला ले लिया, लेकिन पुलिस डॉक्टर के पीछे थी, इसलिए होमलेस मैन को मार के डॉक्टर उसकी आईडी छीन लेता है और अपने चेहरे को खराब करके डॉक्टर सर्जरी करवा लेता है, जो कि उसी होमलेस मैन जैसा बन जाता है, यानी कि डॉक्टर के पास नई आईडी और चेहरा है। और डॉक्टर की साइको हंसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।